नॉट ओनली इन 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 हाई क्लास पीपल, लेकिन अब तो मिडिल क्लास में भी ये कुछ कॉन्सेप्ट आ गए. डोंट यू थिंक दिस इज देयर टू? I think that is true to some extent. And that is because के जो institutions हैं like police है army है सिक्योरिटी लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से भी होता है ऑल्सो बिकॉज कि शायद हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन कि आपको किसी भी प्रोफेशन में जो गवर्नमेंट प्रोफेशन होते हैं सिविल सर्विसेज के प्रोफेशन होते हैं उसमें आपको एक लाइफ नजर नहीं आती. यू डोंट सी योर सन एंड डॉटर डूइंग प्रोग्रेसिंग इन दैट एरिया. तो आई थिंक दैट इज अ बैड पॉइंट ऑन द प्रेजेंट लेकिन देखिए, पार्ट मेरा ऑफ योर. सवाल यहाँ पर जो है ना, देखिए मेरा सवाल यह है कि यही सन्स एंड डॉटर्स अगर इस गवर्नमेंट सिस्टम में आके इस गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे. देखिए, कानून तो पाकिस्तान में हर चीज का मौजूद है. जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको फॉलो करने वाले नहीं है. अगर पाकिस्तान की आज यंग जनरेशन उठकर रेड लाइट के ऊपर अपनी गाड़ी रोकना शुरू कर दे, नादरा के लिए अगर पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड बनाना है तो वो लाइन में खड़ा होना शुरू कर दे, आप नहीं समझती कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसले तो यहाँ पे ही खत्म होना शुरू जाएंगे अगर पाकिस्तान की यूथ खुद तब्दीली लाना शुरू कर दे. I think that is very true. That is very true. But the problem is again के शायद हमें सिर्फ एक that is a solution. Youth को they need to be made motivated. They need to love the country at the very basic point. But this is you need to change the system to quite an extent as well to make the whole change flexible. How आप कितना यूथ को आगे कि आप यूथ कितना आगे तब्दीली ले आएगी कि अगर उसको जो ऊपर फोर्सेस है ऊपर जो सिस्टम है वो आपको तब्दीली लेने ही ना दे. अगर वी डोंट लेट यू मेक अ डिफरेंस देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट. आप एक दफा आप कहोगे ऐसे नहीं हुआ दूसरी दफा नॉर्मल साइकोलॉजी में तीन चार दफा आप इफ यू गेट रिजेक्टेड ऑन योर एफर्ट्स आई थिंक वो डिसअपॉइंटमेंट होती है देन यू डोंट ट्राई अगेन. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु लेकिन वांटेड एक टू सेकेंड, आई यू नो ऑनेस्टली ऑनेस्टली लेट मी डिसएग्री ओवर हियर विद यू. अगर बरेसगीर के नौजवान मुसलमान बरेसगीर के अंदर पाकिस्तान बना सकते हैं, आप पाकिस्तान बनाने के अंदर सबसे बड़ी बड़ी मूवमेंट्स अगर गिनना शुरू करें तो वो शुरू होती हैं कराची से, सिंध से, सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी से, और वो पेशावर तक, एडवर्ड्स कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, फिर लाहौर में. मतलब पाकिस्तान की यूथ ने ही तो सारा कारनामा अंजाम दिया था, उन्होंने ही लोगों को मोबिलाइज किया था, वो ही सामने आए थे. कायद आजम की हर स्पीच में यूथ के बारे में जिक्र है, वो यूथ के बारे में डिस्कशन करते हैं और वो यूथ को यही कहते हैं कि जी आपने आगे बढ़ना है और आपने ही काम करना है, इस मुल्क का बोझ आपने अपने कंधों के ऊपर उठाना है. क्या हमारी यूथ आज इस चीज के लिए तैयार है? I think अगर if you see in that context, we had a leader in its true meaning, and the youth had someone to look upon. They were inspired by Iqbal's words. They were inspired by the hard work and the sacrifices that Qaid Azam made. But do we have a leader like that now? अगर आप एक ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लोगों को मोटिवेट करे, अब कितनी यूनिवर्सिटीज में जाके यू कैन यू नो मोटिवेट द यूथ. आप जब ऊपर एक एक ऊपर एक अम्ब्रेला नहीं है जिसके अंदर आप एक गाइडलाइंस जो जिसके जरिए दी जा सकती है, इफ यू डोंट हैव दैट देन हाउ कैन वी एवर एक्सपेक्ट द यूथ टू डू समथिंग. आई थिंक वी नीड अ लीडर. आई डू अग्री कि यूथ को करना चाहिए, बट आई थिंक वी ऑल्सो नीड अ लीडर जिसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि जो यूथ कोशिशें कर रही है दे कैन गो अलॉन्ग वे. अगर हमारे पास ऊपर ऐसे लोग ही नहीं है जो यूथ को इनकरेज करें या उनकी बात माने देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू मेक अ चेंज. चलिए, इस बात से मैं आपकी एग्री जरूर करूंगा कि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई लीडर मौजूद नहीं है जो यूथ को डायरेक्टली एहसास कर रहा हो, चवाए सवाए चंद एक के. लेकिन जो तब्दीली है जरीन, मैं अगर तब्दीली के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो वो ये है कि जो तब्दीली है वो इंसान के अंदर से शुरू होती है. अगर आपने अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आए कि आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है,
आपने कोई प्लेजरिज्म नहीं करना, आपने अपनी डिग्री असली मार्क्स के साथ हासिल करनी है, आपने कोई चीटिंग नहीं करनी है, इवन कि आप बहुत बड़े बड़े कामों में मतलब आप शुरू दे, अगर देखें देखें 90% 90% जो लोग जाते हैं पाकिस्तान में आईडी कार्ड बनवाने के लिए वो यूथ होती है। वो अगर नादरा के दफ्तरों में जाके लाइन पे लगे, अगर वही पासपोर्ट ऑफिस में जाके लाइन पे लगना शुरू करे, वही लोग उठ के पाकिस्तान की यूथ जो है वही अगर हर सिस्टम को खुद अपने अंदर से तब्दीली लाने की कोशिश करे, तो ये चीजें खुद ब खुद ऐसा ऐसा करके ठीक नहीं होंगी। और फिर इसी यूथ में से लीडर निकलेगा। अगर हमारी यूथ इस इंतजार में बैठ जाए कि ऊपर से मसीहा आएगा और वो हमें आके तब्दील कर देगा, तो इज इट गोइंग टू हैपन? या यूथ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लेनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, FLP हीरोज में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाम से जो जो जीते हैं ग्रुप विच इज FLP हीरोज का, जिनको अवार्ड मिला है लाहौर में, दे टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर ओन। दे सेड कि जी हमने लाहौर का गंद साफ करना है, एंड लिटरली दे पिक्ड अप अ शेवल एंड दे वेंट एंड दे क्लीन इट ऑन देयर ओन। दुनिया ने उनको खड़े होकर बड़े अजीब अजीब तरीके से देखा, और हम अपने सामीन के लिए उनको भी लेकर आएंगे जरूर, लेकिन द क्वेश्चन इज अगेन गोज टू यू कि क्या हमें पहला स्टेप नहीं उठाना चाहिए, उसके बाद बाकी लीडरशिप और लोग तो आते रहेंगे। That is true. I totally agree with that. The thing is ke the problem with our youth is, if you agree to it, ke the problem with our youth is ke they don't love Pakistan. There are a lot of people who do, and they are doing a lot for the betterment of Pakistan. But up the majority, they can jo who feel totally unconscious अबाउट के पाकिस्तान में क्या डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। इफ यू डोंट रियलाइज दैट, आई थिंक यूथ को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बिकॉज अगर जो आपने रेफरेंस दिया लाहौर के एक ग्रुप की, आप कितना एक्सपेक्ट करोगे कि सब एवरीवन शुड एक्ट लाइक दैट? बिकॉज एवरेज पर्सन शायद एक्सपेक्ट करें, व्हाई नॉट, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? नहीं, वाई नॉट टू एक्सपेक्ट लाइक दैट? वाई नॉट एन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? अगर देखिए पाकिस्तान की 160 मिलियन आबादी है, उसमें से 100 मिलियन अगर यूथ है, तो अगर वही यूथ अगर कल गंद फेंकना छोड़ दे गाड़ी से, तो चलते हुए गाड़ी से रोड के ऊपर, और जब जाते हैं चीज खरीदते हैं उसका रैपर रोड पे फेंकना छोड़ दे, तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का जो 60-70% जो है वो गंद है, वो तो वैसे ही रोड पे नहीं होगा, वो डस्टबिन में जाएगा। That is why I totally agree with that. I think इतनी responsibility होनी चाहिए basic in basic cleanliness की और जो basic way of living की, इतनी तो I guess youth को इतनी realization तो होनी चाहिए। I was talking more on the contribution part, but that is like a contribution as well, कि छोटा छोटा करने से कोई बड़ी चीज बड़े एक बड़ा चेंज आता है। I totally agree with that. अच्छा जरीन, ये बताइएगा, लेट्स कम टू योर पोइट्री साइड एज वेल, एंड 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 आप मैस कॉम, आप स्टूडेंट हैं, यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, हाउ डू यू सी द मीडियाज रोल इन टुडेज वर्ल्ड इन पाकिस्तान? व्हेन आई से अबाउट टुडेज वर्ल्ड इन पाकिस्तान राइट नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया, क्योंकि देखिए जब आप मेरा मेरा लेट मी पुट माई क्वेश्चन इन अ वेरी सर्टन एंगल, हमारा मुल्क में अब जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो ये रह गया है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक फील कर रहे हो, उठो दो तीन पॉलिटिकल शोज देखो और उसके बाद बैठ जाओ और एक दूसरे से बात करो। जो ड्राइंग रूम डिस्कशन है वो हमारी यूथ में बहुत बढ़ चुकी है, और